भाजपा के महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर ने बुधवार को कहा कि मेरे हिसाब से शरद पवार एक ऐसा कोरोना है जिन्होंने राज्य को संक्रमित किया है। पवार ने हमेशा ऐसे कदम उठाए जिससे आम लोगों की समृद्धि प्रभावित हुई। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि धनकर आरक्षण को लेकर वो सकारात्मक है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने पवार पर पडळकर के हमले को लेकर भाजपा की निंदा की और कहा कि ऐसे बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इस पर सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक एनसीपी ने तीखा पलटवार किया। विवादित बयान को लेकर एनसीपी कार्यकर्ता गुस्साए हुए हैं और साथ ही राज्य के हर शहर में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने निषेध व्यक्त करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहर में भी एनसीपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के गोपीचंद पडळकर के बैनर को जूते मारकर उनका निषेध व्यक्त किया। उनके विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। उनकी प्रतिमा को काले पोत दिया गया और जल्द से जल्द पडळकर ने शरद पवार की माफी मांगनी चाहिए ऐसी मांग कार्यकर्ताओं ने की। पडळकरांनी आदरणीय पवार साहेबांच्या बद्दल जे वक्तव्य केले, या वक्तव्याचा पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मी सर्वप्रथम निषेध करतो। मी त्यांना आवाहन करतो की जर त्यांच्यात दम असेल तर त्यांनी पिंपरी चिंचवडला येऊन दाखवावं आणि या बाबतीतलं वक्तव्य अशा पद्धतीनं केलं हे पिंपरी चिंचवडकर कधीच सहन करणार नाही। मी या निमित्तानं आपल्यासमोर सांगू इच्छितो की पडळकरांनी या कृत्याची माफी मागवावी, नाहीतर अन्यथा त्यांना पिंपरी चिंचवड आम्ही बंद करू। संवाददाता मोहन दुबे, VSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड, पुणे।